ये देखो भाई, आपके पास फ्रिज है, सबसे प्यारी चीज है ये। बेंटले का फोन है, जय बजरंग बली। यहाँ पे क्या जरूरत है सॉफ्ट टच की। ये वाला कंट्रोल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रोड वाली बात यहाँ है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आज हमारे साथ में है बेंटले फ्लाइंग स्पर। लाइक यार, लग्जरी का दूसरा नाम होती है गाड़ियाँ, मतलब करोड़ों में आती है। कितने करोड़ की अभी मुझे भी याद नहीं है, तो मैं जो भी प्राइस होगा वो आपको मेंशन कर दूंगी। हम लोग जो नॉर्मल गाड़ियाँ लेते हैं बहुत ही कम प्राइस में आ जाती है, और इन गाड़ियों पर आए ना तो इनकी जो कीमत है वो करोड़ में चली जाती है। तो भाई, कंपनी ऐसा क्या दे रही है इन गाड़ियों में कि इनकी कीमत इतनी जाती है, इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है गाड़ियाँ। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलो फिर बिना देरी करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी का नंबर देखो, 0009। सिर्फ इसी नहीं, जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है सब पे 0009 नंबर है, आप देख सकते हो। तो ये जो गाड़ियां हैं ये आकाश शौकीन की है। इनके पास सिर्फ यही गाड़ियां नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो अगर आप इनकी और गाड़ियां देखना चाहते हो तो आप इनकी इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसकी की देखो यार, ये जो बेंटले वाला मस्त सा लोगो है वो इसके ऊपर भी आता है, वहां पे भी आता है। और इसका ये जो लोगो है ना, मुझे सच में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। बाकी अब गाड़ी की बात करते हैं ना, तो इसकी जो लुक्स है ना वो काफी ज्यादा क्लासी क्लासी है। जैसे आप इसके हेडलैम्प देखो, कितने राउंड राउंड से हेडलैम्प है। अब जैसे यहाँ पे फॉर्च्यूनर खड़ी है वो ना काफी स्मार्ट स्लीक लगती है, वेयर एज ये जो कंप्लीट लुक है ना इसकी काफी क्लासी लगती है। आप इसके हेडलैम्प भी देखोगे ना तो इसके अंदर काफी अच्छी तरह डिटेलिंग वगैरह की हुई है, पूरा आपको एक माइनर डिटेल्स इसके अंदर दिखेगी। बाकी एक बार मैं आपको इसके हेडलैम्प्स ऑन करके भी दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हेडलैम्प्स का वॉशर दिया हुआ है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। देखो यार, इसके हेडलैम्प्स जले हुए कितने ज्यादा सुंदर लगते हैं, ऐसे ना फ्लोरल सा टच लग रहा है। ऐसे लग रहा है सेंटर में व्हाइट लाइट है और साथ में वार्म थीम चल रही है। यहाँ सेंटर में आपको बड़ी सारी ग्रिल मिलती है क्रोम में। बाकी यार यहाँ पे ना आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे बेंटले का लोगो मिल जाता है, और ये बड़ा ही ज्यादा क्लासी लगता है। और यहाँ ना सेंटर में रेड डेस्क के नीचे जो बेस देख रहे हो उसके ऊपर व्हाइट भी है। वैसे आपको शायद वीडियो में इतना नजर नहीं आ रहा होगा, एक्चुअल में इन पर्सन में देख रही हूँ ना, काफी ज्यादा चौड़ी लग रही है। और इसकी यार लुक्स वक्स का तो कहना ही क्या है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। बाकी यार अगर आप इसका टायर देखोगे ना, तो 275/45R19 का टायर सेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और इसके जो अलॉयज है ना उसका डिजाइन मुझे बेसिक सा लगा। मतलब जो चीज मुझे जैसी लग रही है मैं आपको वैसे ही मेंशन कर रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। बेसिक डिजाइन आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ना आपको चारों ही डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ना अगर आप ये वाला एरिया देखोगे ना, तो नॉर्मल गाड़ियाँ क्या होती है, जैसे गेट होता है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वेयर एज ये वाला एरिया देखो, यहाँ से ये इतना ज्यादा ब्रॉड है ना, और पीछे तक एक्सटेंड हो रहा है। अब यहाँ से देखो आप, जो चीज़ अभी मैंने मेंशन की कितनी ज्यादा चौड़ी लग रही है, गेट तो वहाँ तक ही है, बट ये जो एरिया है ना ये कुछ अलग ही लगता है देखने में। अब साइड से इसको देखोगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी लगती है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से एलिगेंट से लुक है इसके, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगती है देखने में। बाकी रियर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो टेल लैंप्स दिए गए हैं उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये ओवल सा यहाँ पे ना ये लाइट होता है, ये देखो कुछ इस तरह से। एंड नीचे यहाँ पे एक क्रोम की गार्निश दी गई है, सेंटर में बेंटले का लोगो है। यहाँ पे चार पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे ना आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी और दूसरी साइड भी। जो इसका बूट है उसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे ना आपको की में बटन दिया गया है, इसको सेंटर वाले बटन को आप दबा के रखोगे तो इसका जो बूट है वो अपने आप ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से, और लिफ्ट भी हो जाता है। तो इसका बूट स्पेस देखोगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा बूट स्पेस है। और उसके अलावा यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो देखो अंदर डीप तक है। और ये यहाँ पे स्पेस क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको आगे से दिखा दूंगी। यार मुझे लगता है अगर कोई भी एक्स्ट्रा बंदा आपके पास है तो आराम से यहाँ लेटते जा सकता है। मुझे पता है भाई, बेंटले वगैरह ऑन करने वाले लोग कहाँ ये स्पेस यूज़ करते होंगे इतना। और बाकी इसको क्लोज करने के लिए आपको बटन यहीं पे दिया गया। बाहर से तो आपने देख लिया, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये करोड़ों वाली बात कहाँ है, करोड़ों वाली बात यहाँ है। अंदर तो अभी अपने आराम से चलते हैं, एक बार पहले इसका डोर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये देखो यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन हो गया, ये देखो। एंड ये वाला जो बटन आप देख रहे हो ना, ये बूट को लिफ्ट करने के लिए, यहाँ से वो देखो अब खोल ही दिया, तो एक बार इसको बंद भी कराती हूँ जरा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी ना पूरे एरिया में क्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसके अलावा आप जहाँ टच करोगे ना वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच ही सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। उसके ऊपर सेम कलर की स्टिचिंग कर रखी है, और ये जो वुड वाला पैनल है ये देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड नीचे अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ तो अभी छोटी सी बॉटल पड़ी हुई है, बट अगर आप थोड़ी बड़ी बॉटल भी यहाँ पे रख दोगे तो वो आराम से आ जाएगी। एंड यहाँ पे ज़रा एक बार इसका स्पीकर देखो, इस पर लिखा हुआ है नेम फॉर बेंटले, तो स्पीकर भी बड़ा ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है। इसके सराउंड भी आपको यहाँ पे क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है। अब यार मैं एक बार आपको ना इसका इंटीरियर दिखा देती हूँ। सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पे आपको बेंटले की बैजिंग नजर आ जाती है। इसके बाद इसके जो सीट के कंट्रोल्स हैं ना, बड़े ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे मुझे। सबसे पहले ये वाला कंट्रोल है, ये देखो मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्ट हो रहा है, मतलब इस कंट्रोल से हेडरेस्ट एडजस्ट होता है। इसके अलावा ये तो नॉर्मल है रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने के लिए, ये वाला अगर आप प्रेस करोगे तो सीट आगे और सीट पीछे होती है। एंड ये कंट्रोल भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ये देखो इससे अंडर थाई सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हो आप। मतलब अभी आपको इतना वो नहीं फील हो रहा होगा, अगर आप अंदर जाके बैठोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, एकदम से आपको ऐसे लगता है आपकी थाइज लिफ्ट हो रही है, देखो। एंड ये वाला कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे अगर आप प्रेस करोगे तो ये देखो यहाँ से जो सीट बेल्ट है उसकी हाइट एडजस्ट होती है,
नीचे आती है और ये ऊपर जाती है, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग है यार ये सारे कंट्रोल्स। एंड ये सारे आपकी मेमोरी सीट्स के बटन है, 1, 2, 3, आप अपने हिसाब से जो भी जिसका सेट हुआ होता है। तो भाई आप इतने पैसे लगाओ ना तो मतलब हेडरेस्ट कितनी एक बेसिक सी चीज़ होती है, अपने ऐसे ऐसे करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको भी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया, उसे भी आपको हाथ से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे आपको नॉर्मल 70 मैट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो है ना ये अपने आप में मैट है। इसको टच करने पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई प्लश टॉय टच कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है ये देखो। अब मैं इसमें अंदर बैठ गई हूँ, इसमें बैठना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना एक स्पोर्ट्स कार में होता है। हाँ अगर आपको ऊंची गाड़ियों की आदत है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि अंदर घुस के आप थोड़ा सा बैठते हो। तो एक बार पहले इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं भाई। ये है जो फील है सारी, कुछ अलग ही लेवल की लग्जरी है। जो भी बेंटली ओनर होते हैं ना उनकी स्ट्रीक या स्टोरी वगैरह देखोगे तो यही वो एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा आपको गाड़ी नजर आएगी। हाँ बाहर से भी बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसका जो कहना है ना, इसकी जो फील है वो कुछ अलग ही लेवल की। एक बार इसका स्टेयरिंग व्हील देखो यार, कितना ज्यादा सुंदर है। और ये बेंटले का लोगो तो चार चांद लगा ही रहा है। और यहाँ पे ना ऊपर सनरूफ भी दी गई है। एक बार ना मैं सनशेड हटा देती हूँ, ये देखो यार इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो तो बहुत ज्यादा प्यारा है ही। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, सेंटर में बेंटले का लोगो है। एंड यहाँ पे ना आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, और जो पेडल शिफ्टर्स का साइज है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये गाड़ी चलाओ, तो जब भी ये गाड़ी चलाओगे ना मुझे नहीं लगता इस पे से हाथ आपका हटने वाला, आप इस तरह से ही ड्राइव करने वाले हो एकदम पेडल शिफ्टर्स का मस्त यूज करते हुए। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वो भी उल्टी साइड, तो थोड़ा सा मेरे जैसे लोगों को तो हाथ बिठाना मुश्किल है स्टार्टिंग में। और यहाँ पे राइट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ये वाला जो बटन देख रहे हो ना, ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करने के लिए, इससे आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट कर सकते हो। मतलब पैसे खर्चे है ना तो यहाँ पे आपको सारी फील आती है। तो यहाँ पे आपको ट्रिप का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पीडीसी का बटन मिलता है, इसको आप प्रेस करोगे तो आपको वैसा कुछ नजर आएगा। इसके अलावा ये वाला जो आप बटन देख रहे हो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन है। यार जरा एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो देखो, देने को ये चाहते तो सब कुछ आपको डिजिटल दे सकते थे, लेकिन कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। आरपीएम मीटर हो, स्पीडोमीटर हो, फ्यूल हो, कुछ भी हो, आपको सब कुछ एनालॉग दिया गया, और सच में अल्टीमेट लग रहा है, क्लासी लग रहा है। सेंटर में आपको छोटी सी स्क्रीन मिलती है वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है ये जो एनालॉग मीटर्स का फील है ना ये कुछ अलग ही है और बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे अभी आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा ये क्या दिया गया, अभी इसको मैंने ऐसे किया तो ये बंद हो जाएगा, और इसको मैंने बाहर किया तो एसी की हवा आ रही है, इसको ऐसे करूंगी तो बंद हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना ये मतलब आपको एक थोड़ा वो एंटीक वाला फील देती है। आज भी इसकी जो वैल्यू है ना वो मॉडर्न चीजें कहीं भी बीट नहीं कर सकती, एंटीक चीज एंटीक ही होती है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात पता है क्या है, आपको इस गाड़ी में जितनी भी जगह टैन कलर नजर आ रहा होगा, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हाथ लगा के देख लो, सब जगह आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। मतलब ये जगह तो फिर भी समझ में आती है भाई यहाँ पे क्या जरूरत है सॉफ्ट टच की, यहाँ पे हर जगह आपको सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिलती है। तो वही बात है भाई, लग्जरी गाड़ी है, पैसे खर्चोगे तो वो पैसों की वर्थ तो कहीं ना कहीं देते ही है ये लोग। वरना यहाँ अंदर अंदर तक देखोगे ना तो ये वाला एरिया भी पूरा सॉफ्ट टच है, और वो जो आप लास्ट कॉर्नर देख रहे हो ना वो भी सॉफ्ट टच है। इतना ही नहीं, और भी देखो यहाँ पे पिलर्स पे भी सॉफ्ट टच है, रूफ तक पे भाई यहाँ पे सॉफ्ट टच ही सॉफ्ट टच दिया गया है, हैंडल्स पे भी सॉफ्ट टच है। मतलब सॉफ्ट टच के अलावा यहाँ पे और कोई मटेरियल ही नहीं यूज किया गया, डैशबोर्ड तो सॉफ्ट टच में है ही, जहां देखो सॉफ्ट टच फिनिश आपको मिलेगी। और एक बार मैं ना आपको इसका सनशेड दिखाती हूँ, कितना ज्यादा सुंदर है, पूरा सॉफ्ट टच में है। और इसके अलावा ये स्लाइड करते ही ना बहुत ही सुंदर सी व्हाइट लाइट है, लाइट भी इतनी प्यारी है ना, इसके सराउंड में ब्लैक क्रोम आपको दिया गया, बड़ी प्यारी है। और ड्राइवर साइड भी देखोगे तो ये आपको एक्जैक्टली सेम ही मिलता है जैसे मैंने आपको ड्राइवर साइड दिखाया था। अब लाइट की बात कर ही रही हूँ तो ये देखो जरा, अब आप सोच रहे हो कि भाई लाइट तो लाइट होती है, लाइट क्या महंगी सस्ती होती है, एक बार देखो तो कितनी क्रिस्टल जैसी सुंदर सी महंगी लाइट है भाई, महंगी लाइट वाला इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ से चाहो तो उसको डोर पे डाल सकते हो, ये प्रेस करोगे तो दोनों एक साथ डल जाएंगे, और ये इंडिविजुअल कंट्रोल के लिए है तो वो टोटली आपकी विषय, आप जैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो दोनों साइड आप एरोज देख रहे हो ना ये सनशेड के कंट्रोल्स है। अभी ये देखो मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, मैं दबा नहीं रही हूँ, ये रोक रही हूँ मैं बीच में, क्योंकि मैं नहीं चाहती सनशेड बंद हो जाए, वापस इसको पीछे कर देती हूँ। और ये जो आप नोजल सा देख रहे हो ये सनरूफ के कंट्रोल्स है, इससे सनरूफ ओपन हो जाती है, वो देखो। अब ये पूरा खुल जाएगा यार। बेंटले ना दूसरा नाम है लग्जरी का, और ये चीज मैंने आपको पहले भी मेंशन की थी, आप कहीं पे भी देख लो, अब यहाँ पे ये एरिया अगर आप देखो तो इतना प्रीमियमनेस डालने की जरूरत नहीं थी। चाहे आप ये एरिया देख लो, चाहे आप वुडन देख लो, कुछ भी देख लो, आपको ये छोटी छोटी चीजें दिख रही है ना, यही एक्चुअल में प्रीमियमनेस एड करती है, यही वो चीजें हैं जिनके पैसे एड एड करके ये लोग इतना ज्यादा लेते हैं। और इन सबसे बढ़िया ना मुझे ये चीज लगी, ये छोटी सी क्लॉक इतनी ज्यादा क्लासी लग रही है ना, सिंपलिसिटी है इसमें लेकिन क्लास अलग लेवल का है। अभी ये देखो मैंने एप्पल की वॉच पहन रखी, कहीं स्टैंड नहीं कर रही है इसके सामने यार, कितनी सुंदर और कितनी क्लासी लग रही है।
यहाँ पे ना हेडलैम्प कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसी नोब दी गई है, ये सारे हेडलैम्प के कंट्रोल है। और अगर आप इसका इन्फोटेनमेंट देखोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन मिलते हैं, जैसे अगर आप कार पे प्रेस करोगे तो कार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पे टायर प्रेशर लो है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, ये देखो फ्लैट टायर, टायर प्रेशर टू लो। और इसके अलावा यहाँ पे आपको नेविगेशन मैप वगैरह सब मिल जाएगा। और यहाँ पे मीडिया पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हो, बाकी यार गाड़ी चलाते टाइम मत ही देखना कोई। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आज के टाइम में भी सीडी डालने के लिए आपको स्लॉट दिया गया, मतलब आज के टाइम में कौन ही सीडी डालता है, बट वही चीज है ना, यहाँ पे क्लासिक चीजें दी गई है, बहुत ज्यादा मॉडर्न चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, बट जितना भी दिया गया है सब कुछ क्लासी है। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, वो तो वैसे आजकल हर एक गाड़ी में मिलने लगा, मुझे ये चीज अच्छी लगी, काफी सारे बटन कंट्रोल्स है, बढ़िया रहते हैं ये। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है, फोन वगैरह यहाँ रख सकते हो। और यहाँ हनुमान चालीसा पड़ी है, जय बजरंग बली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इसका गियर नॉब है ना उसमें भी काफी ज्यादा डिटेलिंग है, कहीं सिल्वर है, कहीं पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। और यहाँ ऊपर बेंटले का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ना पार्किंग ब्रेक मिल जाती है छोटी सी, क्यूट सी। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये ORBM के कंट्रोल्स है। और यहाँ ये वाला एरिया देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको हजार लैम्प का बटन मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल मिल जाते हैं। अब ये जैसे कूल पे डाला हुआ है तो हीटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जो मैं भी एक बार ऑफ कर देती हूँ, काफी गर्मी है। इसे अगर आप प्रेस करोगे ना तो आप गाड़ी की हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ये हाई पे भी डाल सकते हो, नॉर्मल पे भी डाल सकते हो। अभी मैं नॉर्मल पे डाल रही हूँ, बाहर से एक बार आपको जाके मैं दोबारा से दिखा दूंगी हाई पे डाल के। इसे प्रेस करोगे ना तो जो गाड़ी का सनशेड है पीछे वाला वो हट जाता है, वो देखो। और ये जो बटन आप देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे आप गाड़ी के सस्पेंशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कंफर्ट स्पोर्ट और ये पूरा आपको स्लाइडर दिया गया अपने हिसाब से जैसा भी चाहो आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये वही को ड्राइवर साइड वाली वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल हो गए। और ये इंजन स्टार्ट सो बटन है। अभी मैंने आपको लग्जरी बहुत सारी दिखा दी है, लेकिन रुको अभी बहुत अच्छी चीज बाकी है। सबसे पहले एक बार इसका आर्मरेस्ट देखो, इसको ऐसे लिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस वगैरह मिल जाती है। इसको यहाँ पे प्रेस करोगे तो सिगरेट लाइटर यहाँ पे आपको मिल जाता है। चलो ये भी कोई बात नहीं, अभी इसको नीचे करते हैं। इसके बाद जरा यहाँ से इस लीवर को ऐसे पुल करना है और ये देखो यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। चलो ये भी कोई बात नहीं, अब मेन चीज आती है वही, यहाँ पे आपको फोन मिलता है, बेंटले का फोन है। अब इसको फोन या रिमोट कैसे भी यूज कर सकते हो, ये देखो मैं ऐसे प्रेस करूंगी और ये बाहर निकल गया। यार मतलब सच में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लग्जरी में, बहुत ही ज्यादा सही चीज लगी मुझे। और एक बार ना मैं जरा आपको इसका ग्लव बॉक्स खोल के दिखाती हूँ। भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले सॉफ्ट टच के साथ ओपन हुआ है और कितना ज्यादा डीप स्पेस आपको दिया गया। और यहाँ पे आपको एक सीडी प्लेयर भी दिया गया है। और भाई इसका जो मटेरियल है मतलब इतना प्रीमियम है ना, ऐसे लग रहा है इसके अंदर वेलवेट लगा हुआ है। और जरा एक बार नजर डालो इसकी सीट्स के ऊपर, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बेहद कंफर्टेबल है। उसके ऊपर से मैंने वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर रखी है, मजा आ रहा है, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, पर चलो पीछे जाएंगे आपको दिखाना पड़ेगा। और जरा देखो यार, मेरे को सबसे सुंदर ना ये वाला पार्ट लगा, इसका जो हेडरेस्ट है उसके ऊपर आपको बेंटले का लोगो पूरा एंग्रेव करके दिया हुआ है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। आप क्या सोच रहे हो, लग्जरी खत्म हो गई है? खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो शुरू हुई है। सबसे पहले मैं इसका सनशेड खोल लूं ताकि आराम से अंदर रोशनी आ सके और मैं आपको दिखा सकूं। और सनशेड भी एक बार खोलते हुए देखो, यहाँ तक पे सनशेड है, इतने से एरिया में कोई भी ग्लास नहीं छोड़ा है, पूरे ग्लास पे सनशेड है। तो अभी आपको मैंने आगे से सॉफ्ट टच दिखाया था, सिर्फ आगे ही सॉफ्ट टच नहीं है, यहाँ तक और मतलब पूरा पीछे एंड तक भी लेदर ही यूज किया गया। ये देखो कैसे प्रेस हो रहा है, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये वाला एरिया देखो यार कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, जैसे आगे था वैसा ही आगे पीछे भी है। ये देखो सेम लाइट्स LED में, कितनी ज्यादा प्यारी है ये भी। एक बार अब मैं थोड़ी सी ना सीट एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे कंट्रोल्स जो दिए गए हैं ना तो सीट तो एडजस्ट करनी पड़ेगी अपने को, दिए गए तो यूज तो करनी है। तो आराम से मैंने इसकी सीट आगे कर ली है। जो अभी कंट्रोल्स की बात कर रही थी, कुछ यहाँ पे आपको ऐसे कंट्रोल्स दिए गए, यहाँ से आप सीट आगे पीछे कर सकते हो। ये जो गाड़ी है ना ये प्रॉपर 4 सीटर है, 5 सीटर नहीं है, बाकी अपनी इंडियंस की आदत होती है, बिठाना होता है तो आप बिठा लेना ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा होगा, एक्स्ट्रा सीट नहीं है, यहाँ पे आता है ये आर्मरेस्ट कुछ इस तरह से। अब ये जो आर्मरेस्ट की कहानी है ना, एक बार जरा इधर आओ फिर आपको बताती हूँ। इसका आर्मरेस्ट एक बार पास से देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके बाद जरा आप इसे यहाँ पे ओपन करोगे तो ये देखो भाई कितना सुंदर थ्रेड से एनग्रेव्ड आपको यहाँ पे बेंटले का लोगो मिलता है। ये यार अटेंशन टू डिटेल देखो, यहाँ पे भी इतना अंदर घुस के भी आपको बेंटले का लोगो दिया गया। उसके बाद ये वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पे भी फोन है। अब जरा इसको वापस बंद कर देते हैं ताकि सबसे बढ़िया चीज आपको दिखा सकूं। यहाँ पे आपको 2 बटन नजर आ रहे होंगे, एक तो कम ठंडा और एक ज्यादा ठंडा, तो ये ओपन करते हैं यहाँ से। ये देखो भाई आपके पास फ्रिज है, आप जो चाहो ड्रिंक्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अरे भाई गंदी ड्रिंक्स नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रही हूँ, बाकी यार आपकी गाड़ी है, जो चाहो वो स्टोर करो, बस पी के चलाना नहीं होता। ये वाला भी जो पूरा एरिया ना ये भी सॉफ्ट टच है, ताकि आप यहाँ पे पूरा आराम से हाथ रख पाओ। अब इसको जरा एक बार बंद कर देते हैं ताकि आपको बाकी सारी चीजें भी मैं यहाँ पे दिखा सकूं। अब ये देखो यहाँ पे नीचे मैप पॉकेट्स दी गई है, और नॉर्मल नहीं है, जैसे फोल्डर टाइप की मैप पॉकेट है, इसके अंदर आराम से फाइल्स वगैरह और स्टोरेज काफी अच्छी आ जाएगी। और इसके ऊपर अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो आपको नॉर्मल सा लग रहा है ना, कुछ ऐसा नहीं लग रहा अलग है, हाँ देखने में सुंदर लग रहा है वो अलग बात है। जरा इसको ऐसे ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखो भाई यहाँ पे लाइट जल रही है, ऐसे करूंगी बंद हो रही है और खोलते ही ओपन हो रही है। ये भी चलो कोई बात नहीं, कुछ खास बात नहीं, सबसे प्यारी चीज है ये।
ये देखो यार, ओपन करते ही शीशा, मतलब कोई भी फीमेल जो यहाँ पे बैठेगी ना उसके लिए जन्नत वाला हिसाब है। मैं ये चीज फील कर सकती हूँ, मतलब जिनकी ये गाड़ी है उनकी वाइफ को भी ये चीज ऐसी ही लगती होगी। यहाँ पे बैठ के ना मैं बड़ा ही क्वीन वाला फील कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है यार मजा आ गया, मैं ही हूँ यहाँ की रानी, मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ, बहुत ही एकदम प्रीमियम है। उसके ऊपर से यहाँ बैठने में इतना मजा आ रहा है ना, मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। अभी ये वाला आप पैनल देखोगे तो इस पे भी सारा मॉडर्न फिनिश आपको मिलता है, काफी ज्यादा सुंदर से लग रहा है। एंड ये देखो आप कुछ इस तरह से इसको रोटेट भी कर सकते हो, और ये तो वही है एसी ऑन ऑफ करने का, मैंने आपको आगे भी बताया था। अब ये स्क्रीन देखो यार, छोटी सी प्यारी सी है ना, इसमें भी आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ से क्लाइमेट पे कंट्रोल करोगे तो यहाँ से आप एसी कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद जरा अपने बैक जाते हैं, यहाँ सीट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे हीटेड और कूल दोनों ही मिल जाती है आपको पीछे भी। यही छोटी छोटी चीजें, मतलब पीछे भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी गई है और बंदा अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। अब मैं वापस से बैक चलती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ना फ्रंट कंट्रोल पे जाती हूँ। तो यहाँ बैठे बैठे आप मीडिया वगैरह, मैप वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। फ्रंट वाले कंट्रोल्स आपको यहाँ छोटी सी स्क्रीन में भी मिलते हैं। और इसके बाद व्हीकल डाटा पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्लॉक जैसी आपको आगे दी गई थी, वैसी छोटी सी प्यारी सी क्लॉक यहाँ पे भी नजर आ रही होगी। MFT पे क्लिक करोगे ना तो आगे वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, टाइम सिंस स्टार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको आउटसाइड टेम्परेचर नजर आ जाएगा, करंट स्पीड आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेट डे टाइम वगैरह सब कुछ नजर आ जाता है। इसके अलावा डिस्टेंस सिंस स्टार्ट, मतलब जब से गाड़ी स्टार्ट हुई है तब से भी आपको नजर आ जाएगा कितनी किलोमीटर गाड़ी चली है। उसके बाद अगर आपको मान लो यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्पीड का बटन भी दिया गया, अगर मान लो आप ऐसे आराम से बैठे हुए हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, तो भाई ये गाड़ियां ऐसी 160 180 में भी चलेगी ना, आपको बिल्कुल भी फील ही नहीं होगा इतनी तेज गाड़ी चल रही है। तो यहां से देख के आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इतनी तेज गाड़ी चल रही है, तो आप चाहते हो इतनी स्पीड में गाड़ी चले तो भी आप बोल सकते हो, या फिर आप ड्राइवर को ये भी बोल सकते हैं कि प्लीज आप थोड़ा सा कम चला लीजिए, जैसे भी आपकी प्रेफरेंस है। यहाँ पे भी आपको रियर ब्लाइंड का कंट्रोल मिल जाता है, आप इसको ऊपर, वो देखो ऊपर हो गया, और नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाओगे ना तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आप डिस्प्ले वगैरह या फिर साउंड वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे यार ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं कितनी देर से इसके अंदर घुस के ऐसे झुक के कर रही हूँ, तो टेंशन वाली क्या बात है, आपको ऐसे एक बार बटन दबाने में बाहर आ गया, ये लो भाई निकाल लिया, मैं आराम से बैठ के भी ऐसे कंट्रोल कर सकती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, बेंटले पे बैठे हो। और भाई अटेंशन टू डिटेल इसी चीज को कहते हैं, ये हाथ में भी आपके है ना, तो इसके पीछे भी यहाँ पे आपको बेंटले का लोगो दिया गया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल बैठी हुई हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा ये सीट ना काफी आगे हो रखी है, जैसे ही मैं इसका गेट खोलूंगी ना ये पीछे हो जाएगी, ताकि भाई आप आराम से उतर जाओ, बाय बाय करती है ये आपको। और इसका ना रियर डोर भी काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपको सिगरेट लाइटर मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे ना आपको आई डोंट नो क्या है, एक बार ये देखो ये कुछ डब्बी सी है, ये ऐसे बाहर निकल जाती है, अब मुझे नहीं पता ये एशट्रे है या कुछ और है, मैं तो इसको काफी चीजों के लिए भाई यूज कर सकती हूँ, टॉफी वगैरह अपनी आराम से रखूंगी, नहीं तो छोटी पीने और रबर्स इसके अंदर रख दूंगी, बाकी है बड़की उड़ सी चीज, बाहर निकल जाती है छोटी सी। पर भाई एक बार इसके V8 इंजन के दर्शन भी आपको करा दूं, उसके बिना कैसे वीडियो एंड कर सकते हैं। इसका जो बोनट है ना वो ओपन करने के लिए आपको को ड्राइवर साइड से इसको ऐसे पुल करना पड़ेगा, तो बस भाई बोनट खुल गया, एक बार इसको ओपन करते हैं, ये खुल गया बोनट। यहाँ पे आपको 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो इंजन मिलता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बेंटले का लोगो, और यहाँ पे भाई सथिया बना हुआ है और श्री लिखा हुआ है, गणपति बाबा मौर्य गणेश जी का निशान होता है ये। तो ये थी भाई बेंटले में जितना भी कुछ था, मैंने सब आपको दिखा दिया, शायद अब आपको समझ आ गया होगा क्यों नॉर्मल गाड़ियों से इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। बाहर से तो जो सुंदर है वो है ही, इसके अलावा अंदर बैठ के जो आपको फील होता है ना, जो लग्जरी आप फील करते हो, वो सब चीज़ों के पैसे हैं, छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रख के दिया गया है। तो बस यार आज की वीडियो को ना हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, प्लीज़ यार ये बहुत एक्सक्लूसिव सही कंटेंट था, तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को बहुत सारा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ना मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल रही हूँ, वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लेना, इसकी रील्स वगैरह भी डालने वाली हूँ। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, बाय।